ऊर्जा और जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने शनिवार को पब्लिक पार्क के बाहर गांधी वाटिका का लोकार्पण किया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर कल्ला ने कहा, गांधी जी का साहित्य सर्वधर्म सद्भाव जीव मात्र के प्रति दया सत्य के प्रति निष्ठा रखना सिखाता है। आज के दौर में उनके सिद्धांत बेहद प्रासंगिक हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलना की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष को प्रदेश भर में पूर्ण उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में नगर विकास न्यास द्वारा गांधी वाटिका का निर्माण करवाया गया। इससे युवाओं को गांधी जी के आदर्शों को समझने, उन्हें आत्मसात करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा, यहाँ गांधी जी का साहित्य प्रचुर मात्रा में रखा जाए। गांधी जी की शिक्षाएं सात पापों से बचने के लिए उनके द्वारा सुझाए गए उपक्रम यहाँ अंकित किए जाएं। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने चरखा चलाकर देश को श्रम करने का संदेश दिया। उन्होंने सत्य के प्रति निष्ठा रखकर देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य सूत्रधार बने। नगर निकास न्यास के सचिव नरेंद्र सिंह पुरोहित ने कहा, गांधी वाटिका में महात्मा गांधी की चरखा चलाते हुए 2D प्रतिमा स्थापित की गई, जो कि पूरे राजस्थान में गांधी जी की पहली प्रतिमा है। इसके निर्माण पर 4.43 लाख रुपए व्यय हुए। बीकानेर राजस्थान रिपोर्ट, सुरेश जैन। महात्मा गांधी जी के 150 वर्ष को मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अवधि को बढ़ा दिया था। 2 अक्टूबर को वो अवधि पूरी हो रही है, उससे पहले गांधी वाटिका का आज शुभारम्भ हुआ है। गांधी जी यहाँ पर चरखा काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे प्रेरणा मिलती है कि श्रम के प्रति निष्ठा। महात्मा गांधी जी किसी भी सभा में जाते थे तो पहले चरखा काटते थे, फिर सबको सर्वधर्म संभाव सिखाते थे और उसके बाद अपनी बात कहते थे। गांधी जी को सबसे पहले रविंद्रनाथ जी टैगोर ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी और उन्होंने जिस तरीके से दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना दाव साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये एक ऐसे राजनीतिक संत थे जिन्होंने देखा कि हिंदुस्तान